हाय गाइस, माय नेम इज सतीश रघुवंशी और आज हम एनपैट का मॉक एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें क्यूए पार्ट का हम थर्ड सेशन डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हमने दो पार्ट डिस्कस कर चुके हैं। फर्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 1 to 10 था, सेकंड में 11 to 20 था, अब 21 to 30 आएगा। और आई होप कि आपको सारे सेशन अभी तक के जो हो चुके हैं क्यूए में समझ में आए होंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज हम अपना जो सेशन स्टार्ट करते हैं दैट इज सेशन नंबर 3 और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर हम 21 से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो एनपैट का मॉक हुआ था उसके ही क्वेश्चन मैंने लिए और मैं बता रहा हूँ कि आपको एग्जाम में किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए था। ओके, बात समझ में आ रही? बिल्कुल सर। अब यहाँ पर लिखा इफ लॉग 4x लॉग y लॉग 9x आर इन AP। अगर गाइस कोई भी टर्म है अगर वो एपी में है, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है, तो आपके दिमाग में सबसे पहले आना चाहिए कि उनका कॉमन डिफरेंस क्या होता है, सेम होता है, तभी तो आप उसे एपी बोलते हो ना। हाँ सर। और हमें फाइंड करना है सम ऑफ एक्स प्लस वाई। बिल्कुल, हम सम ऑफ एक्स प्लस वाई निकलेंगे, लेकिन ये बात आपके दिमाग में आप बैठा लो ढंग से तरीके से दिमाग में कि सर दो टर्म का डिफरेंस हमेशा क्या होता है, सेम होता है अगर वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है तो। और बोल रखा है तो गाइज ये दो टर्म का डिफरेंस, सेकेंड में से फर्स्ट माइनस करते हैं, नेक्स्ट में से उसकी प्रीवियस वाली को माइनस करते जाओ और उनका अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तब आप क्या बोलोगे सर? तब हम ये बोलेंगे कि बॉटम एपी में। बिल्कुल। तो सर लॉग वाई, अगर आप लॉग वाई माइनस लॉग 4x करोगे, समझ में आ रही बात? बिल्कुल। तो सर ये कॉमन डिफरेंस निकला। ऐसे ही आप अगर लॉग 9x में से लॉग वाई को माइनस करोगे तो गाइज ये भी क्या निकला, कॉमन डिफरेंस। और दोनों कॉमन डिफरेंस क्या होंगे, तो दोनों कॉमन डिफरेंस इक्वल होते हैं, ये बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है सर, ये बहुत अच्छे से पता है, राइट? ओके, तो log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, माइनस वाले डिवाइड में आ जाएंगे तो यहाँ भी log आ जाएगा, यहाँ भी log आ जाएगा, तो सीधा हम log की अब जरूरत नहीं है क्योंकि बेस सेम है तो वो हट जाएंगे। बिल्कुल सही बात है। तो सर यहाँ पर y अपॉन 4x बचेगा, राइट? log y अपॉन 4x, और यहाँ पर क्या बचेगा, 9x अपॉन में y बचेगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं गाइस, y स्क्वायर इक्वल टू 9 4 36 x² बनेगा। यहाँ पर आपको क्या चाहिए, ऑप्शंस देखो x के फॉर्मेट में है और आप यहाँ पर फाइंड क्या करना है, तो तीनों जगह आपको ध्यान दौड़ाना पड़ता है कि भाई ऑप्शन क्या दी, क्वेश्चन क्या दी और क्या फाइंड करना है, तब आप बहुत अच्छे से कंक्लूड कर पाते हो कि क्वेश्चन में क्या करना है, कहाँ कहाँ से कुछ कुछ पार्ट को सॉल्व करते जाना है। तो गाइस यहाँ से सीधी वाई की वैल्यू निकाल लेंगे, अंडर रूट में 6x आ जाएगा। बिल्कुल सर। ओके, 6x आ गया, तो अब यहाँ पर क्या करना है, हमें वाई की जगह पुट करना है 6x, तो एक्स प्लस 6x दैट विल बी 7x आपका आंसर हो जाएगा। तो गाइज ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 लिख लो, लिख लो। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं हम, कि बहुत बढ़िया क्वेश्चन, अगर देख के आपको समझ में आ रहा है कि एपी है या फिर जीपी है, बस वो समझना था आपको, बाकी क्वेश्चन डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, अच्छा क्वेश्चन है, दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है कि क्या लग सकता है, अ बॉल ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हाइट बाउंसेस बैक 90% ऑफ प्रीवियस हाइट एंड कंटिन्यू इट्स मोशन, राइट? वो ऊपर से ड्रॉप की जा रही है, फिर सेकेंड टाइम 90% उसकी हाइट का जाती है। मान लो वो एच हाइट से ड्रॉप की गई थी, अब जब वो नीचे पटका कर ऊपर जाएगी, अप जाएगी, तो उसकी हाइट की प्रीवियस हाइट का 90% जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर उसका 90%, फिर उसका 90%, तो कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा सर ये सक्सेसिव डिक्रीज जा रहा है, राइट? कम होता जा रहा है ना। और वो एक टाइम बोला इफ द वॉल ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 190 बिफोर कम्स टू रेस्ट फ्रॉम व्हाट हाइट द वॉल इज ड्रॉप। सीधी बात है, तो आप थोड़ा पहले तो समझो कि क्या कहना चाह रहा है। मान लो ये वॉल इस हाइट पर थी, राइट? ये वॉल इस हाइट पर थी और यहां से ये फेंकी गई, मान लो ये ग्राउंड था, राइट? ये ग्राउंड था, समझना बात को। तो ये एच हाइट पर आई, एच हाइट से ड्रॉप की गई थी नीचे, राइट? अब ये ऊपर जाएगी, तो अब मैं इसको यहां नहीं बना रहा, आप समझ नहीं पाओगे, तो थोड़ा मैं दूर बना दे रहा हूं। अब एच हाइट से नीचे आई, दूसरी बार कितना गई गाइस वो सर, दूसरी बार कितना 90% चली है उसका, कितना, वो बोला हाइट एंड बाउंस बैक 90% ऑफ प्रीवियस हाइट। तो गाइस 90% को सीधा आप पॉइंट में लिख लो, 0.9 आ जाएगा कि नहीं, 90/100 करोगे तो 0.9, मतलब पहले जो हाइट थी उसका 0.9 एच गई, अब इस बार इतनी हाइट चल पाई, मान लो इतनी हाइट चल पाई। लेकिन आप मुझे एक बात यहाँ पर ये बताओगे कि सर इतनी हाइट गई तो फिर वापस यहां से नीचे आएगी ना? बिल्कुल सर, फिर इतनी हाइट ऊपर गई थी उतनी हाइट नीचे आई, समझ गए बात को? हाँ सर, उतनी हाइट कितनी, 0.9 h नीचे आई, फिर नेक्स्ट टाइम फिर क्या करेगी सर, फिर अपनी हाइट का कितना जाएगी,
सर फिर अपनी हाइट का कितना जाएगी, भाई साहब देखो यहाँ पर सर फिर अपनी हाइट का पॉइंट मतलब 90% जाएगी, तो सपोज यहां तक पहुंची होगी, फिर अपनी हाइट का ऊपर जाएगी, किसका हाइट का ऊपर जाएगी, जो भी उसकी हाइट है उसका कितना जाएगी भाई, जो ये हाइट अब बची है इसका 0.9 h का 90%, तो उसका 0.9, देन अगेन वो नीचे आएगी, फिर कितना आएगी, उतना ही आएगी, जितनी हाइट ऊपर गई है 0.9 h, तो 0.9 h इंटू 0.9 नीचे आएगी, समझ पा रहे, ये सिक्वेंस चलता रहेगा जब तक वो स्टेबल कंडीशन में ना आ जाए। तो हम देख लेते हैं इन सम ऑफ ऑल टर्म्स, कहीं ना कहीं हमें एक पैटर्न मिल रहा है, राइट, पैटर्न मिल रहा है, बिल्कुल सर, और ये कहां ऐसे कितने ऊपर नीचे गई होगी, कितनी बार ऊपर नीचे गई होगी हमें नहीं पता, ये इनफाइनाइट टाइम हो सकते हैं, इनफाइनाइट मतलब हमें नहीं पता कितने टाइम, तो आपको कहीं ना कहीं जीपी लगेगी यहाँ पर, अभी देख के समझ में आ जाएगा, राइट। तो गाइस फर्स्ट हम देख लेते हैं, फर्स्ट एच हाइट से गिराई गई थी, तो सर ये हाइट हो जाएगी एच प्लस, कितनी आई थी गाइस, हम सम करते हैं, 0.9 नीचे आई थी, 0.9 h नीचे आई थी, और सॉरी 0.9 h ऊपर गई थी और 0.9 h नीचे आई थी, समझ ना इस बात को, राइट, ये समझ गए कि ऊपर से नीचे आई h, देन 0.9 h ऊपर गई, 0.9 h नीचे आई, ओके सर। फिर नेक्स्ट टाइम क्या हुआ सर, सर नेक्स्ट टाइम यही बात हुई कि 0.9 h ऊपर गई है, किसका मतलब 90% इसका गई है 0.9 h का, फिर उतना ऊपर गई उतने तो नीचे आएगी ना ग्राउंड तक, सर फिर कितना आएगी, सर 0.9 h इंटू 9, मतलब सेम हाइट अगर ऊपर जा रही है तो सेम हाइट से नीचे, बस फर्स्ट टाइम हुई है तो फर्स्ट टाइम ज्यादा हाइट आई है, राइट, ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है, सेकेंड टाइम से तो जितनी ऊपर जाएगी उतनी नीचे आना पड़ेगा, फिर नेक्स्ट जंप लेना है ऊपर के लिए, तो हाइट क्या हो जा रही है उसकी, रिड्यूस होती जा रही है। तो कहीं ना कहीं गाइस हम इसको देखो, आप ऐड करो, एच तो आपका अलग रहेगा, सम ऑफ ऑल टर्म कर रहा हूं मैं अभी, समझना ये यही रहेगा सर, 0.9 h और 0.9 h क्या बन जाएगा, ट्वाइस ऑफ 0.9 h, ऐसे 0.9 h एक बार क्या हुई है सर, ये क्या हुई है, ऊपर गई है और इतने डिस्टेंस नीचे आएगा, तो हर बार ट्वाइस और ट्वाइस आएगा, जितने भी वो टप पे नीचे ऊपर होंगे उसके, हर बार कितना आएगा सर, जैसे ये क्या हुई सर, यहाँ पर ऊपर गई नीचे आई, तो ये ट्वाइस, ये भी ट्वाइस, नेक्स्ट बनेगा ट्वाइस ट्वाइस, इस तरीके से सीरीज बनती जाएगी। तो गाइस यहाँ के बाद से ये ट्वाइस बनना स्टार्ट हो गया, आप देखो, हाँ सर, एंड सो ऑन, ऐसे ट्वाइस बनेगा, तो मैं सीधा इनमें से टू कॉमन निकाल लू, सबसे बेस्ट थिंग रहेगी, बिल्कुल सर आप टू कॉमन निकालो, यहाँ पर बनेगा 0.9 h, बात समझ में आ गई गाइस, यहाँ पर क्या बनने वाला है सर, 0.9 h इन दोनों में से, फिर यहाँ पर क्या भाई, हमने टू कॉमन निकाले तो एक ही बार लिखना पड़ेगा इसको, 0.9 आगे कर देता हूँ इंटू क्या बचा, 0.9 h एंड सो ऑन, ऐसे ये सीरीज आपकी चलती रहेगी। अब आप देखो कि सर 0.9 h, 0.9 h का 0.9, अगर आप सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे तो आप देखोगे 0.9 h कैंसिल होता जाएगा, कितना बचेगा 0.9, फिर नेक्स्ट टर्म का डिफरेंस देखोगे फिर वो अलग आएगा, मतलब जो कॉमन डिफरेंस है आपका, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, आर, सेकेंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करोगे, कॉमन डिफरेंस आपका हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, और हर बार कॉमन डिफरेंस आप देखो इसको इससे डिवाइड कर रहा है, तो कॉमन डिफरेंस आर कितना आ रहा है सर, 0.9 आ रहा है, तो मैं यहाँ कहीं लिख देता हूँ कॉमन डिफरेंस को गाइस, आर कितना आ रहा है, 0.9 आ रहा है, राइट, ऐसे कितनी टर्म बनेगी मुझे नहीं पता, ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म बनेगी, लेकिन आपको पता है कि अच्छा सम ऑफ, आपको सबसे पहले पता चल गया सर ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, क्योंकि सेकंड टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कर रहा है, रेशियो से हमारा है, तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होगी, लेकिन इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम तो फाइनाइट होगा ना, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म का सम तो फाइनाइट होता है, ध्यान रखना, तो वो हमें और कैसे पता चला कि सर अगर आर -1 से, आर अगर -1 से 1 के बीच में है, आर अगर -1 से 1 के बीच में, बिल्कुल उन्हीं के बीच में है, तो इनका सम क्या आता है, फाइनाइट आता है, राइट, तो बिल्कुल आर क्या है, -1 से +1 के बीच में, तो इनका सम क्या आएगा, फाइनाइट आएगा, इट इज क्लियर, ओके, तो बिल्कुल फाइनाइट आएगा, तो हमारा फॉर्मूला बन जाता है सर, एच को तो ऐसे ही रहने दो, तो मैं आपको सम ऑफ दी ये जितनी भी टर्म है, इनफाइनाइट टर्म क्या बनता है भाई, उसका फॉर्मूला बनता है ए अपॉन 1 - r, इज इट क्लियर, तो ए क्या हो गई गाइस, अब ये यहां पर देखो फर्स्ट टर्म कितना है, 0.9 h, बात समझ नहीं, ये फर्स्ट टर्म हो गई, यहां पर लगा रहा हूं टू प्रोडक्ट में है तो उसको रहने दो, टू तो सभी के प्रोडक्ट में, यहां से लगा रहे हैं हम जीपी, लगा रहे हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, लगा रहे हैं हम यहाँ पर, राइट, ये किसमें आ गए, जीपी में आ गए, तो सर यहाँ पर 2 × 0.9 h अपॉन 1 - r, राइट, 1 - r क्या बनेगा गाइस, आर कितना हमारे पास सर, 0.9 है, बात समझ में आ रही है, ठीक है सर, तो
आर हमारे पास 0.9 है और ये इस तरीके से बन जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये क्या आ गया, सम आ गया सभी का। ओके सर, इसको फर्दर सॉल्व कर लेते हैं, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, तो मेट्रो को आप इसको अगर फर्दर हम सॉल्व करते हैं तो गाइस क्या बनता है, एच प्लस राइट 2 × 9 × 2 = 18 हो जाएगा, तो 1.8H/0.1 राइट, इससे ये कैंसिल हो गया, तो कितना बचा, एच प्लस 18H = कितना बन जाएगा, 19H। और ये 19H की वैल्यू वो बोल रहा है कितना रेस्ट में आएगा, 190 मीटर के बाद, तो ये 190 मीटर हो जाएगा। एच इक्वल टू कितना बन गया, 10। सो फ्रॉम वाइट व्हाट हाइट, तो आप बोल दोगे सर एट द हाइट ऑफ 10 से ये ड्रॉप की गई थी। ये जीपी है, मैंने कहीं एपी तो नहीं बोल दिया, जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेकंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, दैट इज कॉल्ड द जीपी। ओके, इस क्वेश्चन को आप लिख लो। नाउ क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, राइट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स इन द जीपी आर इन द रेशियो 1:8। मतलब क्या कह रहा है कि फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ जीपी एंड नेक्स्ट थ्री टर्म्स और जीपी का रेशियो दे रखा है। तो गई सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म्स क्या होंगी जीपी की, अगर हम बात करें तो फर्स्ट टर्म जीपी की होती ए, सेकेंड होती ए आर, ए आर की पावर 1, ये 1 है, ए आर की पावर 2, ए आर की पावर 3, ए आर की पावर 4, ए आर की पावर 5, राइट। यही होंगी द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म ऑफ जीपी एंड नेक्स्ट थ्री टर्म जीपी आर इन द रेशियो 1:2। तो फर्स्ट थ्री टर्म का अगर हम इनका सम देखते हैं तो कितना बनता है, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर जीपी में, बिल्कुल। और इनका सम अगर आप करोगे तो गाइस इनसे कॉमन क्या निकाल सकते हो, सर आप ए निकाल लोगे बट ए मत निकालो क्योंकि मुझे उनका रेशियो लिखना है, तो बेटर है कि मैं यहाँ पर आर क्यू कॉमन निकालू। तीन पहले अच्छा सम कर लो, आप सम कर लो तो लास्ट थ्री टर्म का सम ये हो जाएगा, राइट। और इनमें से कॉमन क्या निकाल सकता हूँ, सर आर क्यू कॉमन निकाल लो, ए प्लस ए इंटू आर बनेगा, ए इंटू आर की पावर 2 बनेगी। अब आप क्या बोल रहे हैं, स्टार्टिंग थ्री टर्म और लास्ट थ्री टर्म का क्या कर दो आप, रेशियो बना दो, 1:8 रहेगा, राइट। सम ऑफ फर्स्ट थ्री टर्म क्या है गाइस, आप पेन चेंज कर लेते हैं अपन, तो फर्स्ट थ्री टर्म कितनी है गाइस, ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय हमारे पास कितना है सर, आर क्यू, इसके पास है ए प्लस ए आर प्लस ए आर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/8। तो गाइस ये पूरा इस पूरे से कैंसिल हो जाएगा, 1/RQ इज इक्वल टू कितना बचेगा, 1/8, एंड R विल बी कितना होगा, 2। तो आपसे पूछा कॉमन रेशियो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि ये आपको समझ में आया होगा, क्लियर है बात, आ रहा है समझ पक्का, ओके आई होप कि आपको सभी समझ में आ रहा है, राइट। ओके 23 आई होप कि डन कर लिया होगा आपने। क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं, क्या बोल रहा है भाई 24, अमंग ऑल कॉन्वेक्स ऑक्टागन, हम ऑक्टागन पढ़ते हैं लेकिन कौन सा कॉन्वेक्स पढ़ते हैं, सारे कॉन्वेक्स पढ़ते हैं जिसमें वन एंगल ग्रेटर देन कितना होता है, तो 180 डिग्री होता है, दैट इज कॉन्वेक्स ऑक्टागन। ओके, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल इनसाइड द ऑक्टागन। तो गाइस अगर अपन ऑक्टागन बनाते हैं, समझो पहले मैं ऑक्टागन बना के बता देता हूँ आपको, राइट ऑक्टागन बना के बता देता हूँ, ऐसा कुछ बनेगा, थोड़ा एडजस्ट कर लेना, रेगुलर ऑक्टागन है सारी साइड, ऑल कॉन्वेक्स ऑक्टागन, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल इनसाइड द ऑक्टागन, मतलब कितने मैक्सिमम ऐसे डायगोनल बना सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन मतलब डायगोनल्स के, ऑफ द डायगोनल्स, अगर हम इनके डायगोनल ड्रॉ करते हैं तो गाइस अगर दो डायगोनल इंटरसेक्ट करते हैं तो उसके लिए कितनी वर्टेक्स की जरूरत होती है सर, 4 वर्टेक्स की जरूरत होती है ना, राइट। ऐसी टोटल वर्टेक्स कितनी ऑक्टागन में, अगर आप देखोगे सर टोटल वर्टेक्स कितनी, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 वर्टेक्स है, और अगर एक डायगोनल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट चाहिए तो 4 वर्टेक्स से होता है, तो क्या हो जाएगा, 8C4 हो जाएगा, राइट। टोटल वर्टेक्स 8 है, अगर 4 वर्टेक्स ज्वाइन होंगी तो उनका डायगोनल, दो वर्टेक्स को मिलाकर एक डायगोनल बनेगा, तो 4 वर्टेक्स जब ज्वाइन होंगी तब क्या बनेगा, आपका एक इंटरसेक्शन पॉइंट बनेगा, ऐसे मैक्सिमम कितने होंगे, 8C4। तो इसको कैसे ब्रेक करते हैं, 8 × 7 × 6 × 5 डिवाइडेड बाय 4 × 3 × 2 × 1, राइट। तो 4 2 जा 8, 8 से गया 3 2 जा, राइट, ये कितना बन जाएगा, 5 2 जा 10, 70। आंसर क्या हो गया आपका, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ पा रहे हैं, आसान है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। नाउ क्वेश्चन नंबर 25 की बात कर रहे हैं, मिक्सचर इज फॉर्म बाय मिक्सिंग,
देखते हैं भाई इसमें करना क्या है, देखते हैं करना क्या है। अ मिक्सचर इज फॉर्म्ड बाय द मिक्सिंग टू वेराइटीज ऑफ व्हीट पी एंड क्यू की टू वेराइटीज मीट की मिक्स की गई है हुज क्वांटिटी आर इन द रेशियो पी और क्यू की क्वांटिटी का रेशियो 4:3 है। द कॉस्ट ऑफ द पी एक्सीड द कॉस्ट ऑफ द क्यू बाय 7, मतलब जो पी की जो कॉस्ट है ना पी टाइप की क्वांटिटी की क्यू से 7 ज्यादा है। तो अगर आप क्यू को एक्स मान लेते हो, आपने क्यू को ₹1 मान लिया, तो पी कितना होगा, x+7 हो जाएगा। मिक्सचर एलिगेशन से बना देते हैं राइट। एंड द कॉस्ट ऑफ द मिक्सचर इज ₹23 per kg, तो इनके मिक्सचर की कॉस्ट ₹23 per kg, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। बात समझ में आ रही। और इस तरीके से क्या बोला था, मिक्सचर फॉर्म बाय द टू वैरायटी पी एंड क्यू, इनका रेशियो कितना बन जाता है भाई साहब, सर ये रेशियो 4:3 बन जाता है। ये बात समझ में आई, आई होप कि ये सभी को समझ में आया होगा। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्यू इन पर केजी, कितने रुपए है उसकी। सर बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। तो गाइस आपके पास दो तरीके होते हैं, आपने अगर इसमें से इसको माइनस किया, इनको क्रॉस में लिखा जाता है। जैसे क्या कर रहा हूं मैं, अगर मैं x+7 से इसमें से क्या करना है, इस 23 को माइनस करना है, तो वो इसके इक्वल होता है। अगर ऐसा एरो बनाया इसमें से इसको माइनस किया, देन आप 23 में से एक्स को माइनस करोगे, तो यहाँ लिखो, मतलब लिखा क्रॉस में जाता है, इन दोनों का यहाँ इन दोनों का यहाँ, बट कैसे करोगे, अगर आपने x+7 से इसको माइनस किया है तो यहाँ लिखा जाएगा, देन इससे ये वाला माइनस होगा। अगर आप रिवर्स चलते उल्टा कि x से इसको माइनस करते, यहाँ लिखा जाता है x-23, तो यहाँ पर लिखा जाता है 23 - (x+7), यहाँ उल्टा लिखा जाता, बस वो आता वही। तो गाइस यहाँ पर रेशियो हमें बहुत आसानी से पता चल गया है कि 23 - x / कितना होगा, ये कितना हो जाएगा, x+7 - 23, गाइस ये बन जाएगा 16, x-16। इसको सॉल्व करोगे तो 23 से अगर आप 7 माइनस करोगे 16 बन जाएगा, और ये कितना 4 पार्ट है और ये 3 पार्ट है, तो ये रेशियो बन गया 4/3। बस कुछ नहीं बचा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, 3 3 = 9, 3 2 = 6, -3x = 4x - 64 गाइस। ओके 64 इस तरफ चल जाएगा, 9 4 13, 1 बचेगा 133 राइट, ये 7x हो जाएगा। अब तो कैलकुलेशन बचा है, 7 1 = 7, 7 9 = तो x = कितना आ गया, 9 19। तो फाइंड द कॉस्ट ऑफ क्यू, क्यू की कॉस्ट को हमने x माना, दैट इज कितनी 19। तो ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। आसान है ना, आसान था, एन पर कोई इतना डिफिकल्ट नहीं होता जितना आप सोचते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 देखिए कि सर x y > 0, x+y 3। अब ऐसे क्वेश्चन देख के आपको समझ में नहीं आता, लेकिन थोड़ा सा अगर आप कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो गाइस एक बहुत अच्छी बात निकल के आती है, आपको अगर थोड़ा बहुत भी पता होगा तो राइट। तो अर्थमेटिक मीन, क्या बोल रहा हूं मैं, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन राइट। बात समझ में आ रही, मैं क्या बोल रहा हूँ गाइस, अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है भाई साहब, आपका ज्योमेट्रिक मीन हो जाता है। आई होप कि ये बात आपको समझ में आई होगी, क्लियर है। ओके तो यहां पर देखो हमें दो नंबर दिए हैं, तो उनका अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन क्या होगा, ज्योमेट्रिक मीन होता है, इस बात का आप ध्यान रखना। ओके जैसे आपने बोला ग्रेटर देन इक्वल टू होता है, कैसे पता, जैसे आपने बोला सर 6 और 6 अगर नंबर हम निकालते हैं, 6 और 6 का अर्थमेटिक मीन कितना होगा, इतना होगा। ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, अंडर दी रूट में आता है ना, प्रोडक्ट ऑफ राइट। अगर जैसे मुझे ए और बी का ज्योमेट्रिक मीन निकालना है, ज्योमेट्रिक मीन ऑफ ए और बी, तो क्या होगा, अंडर रूट ए बी, और अर्थमेटिक मीन ए और बी का निकालना है तो क्या बनेगा, a+b/2, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर x और y का जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 6+6/2 राइट, इनका अर्थमेटिक मीन कितना होगा सर, 6 बन जाएगा, बट ज्योमेट्रिक मीन कितना हो जाएगा गाइस, 36 हो जाएगा ना, 6 × 6 सर, एक तो बराबर हो गया और एक क्या होता है, ग्रेटर देन होता है अर्थमेटिक मीन। तो इस तरीके से होता है, आपको यहाँ देखना है, समझ गए बात को, ठीक है सर। तो x+y = 3 ऐसे प्लस में दें तो यहाँ पर दिमाग यही चलाना है, ये x और y ग्रेटर देन, ये ग्रेटर देन इक्वल टू राइट, कंफ्यूज मत होना इस इनइक्वालिटीज में। तो आपको क्या करना है, x+y > 3, x+y = कितना गिवन है गाइस, हमें 3 गिवन है। तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि अर्थमेटिक मीन क्या होता है, ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन होता है, समझ पा रहे हैं। तो अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, इनका अर्थमेटिक मीन निकालू तो क्या करना पड़ेगा सर, 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, सही बात है ना। एक्स और वाई का अगर मैं क्या निकालता हूँ सर, एक्स और वाई का सॉरी एक्स और वाई का अर्थमेटिक मीन निकालना है, तो x+y / 2 राइट, ग्रेटर देन क्या होगा, इन दोनों के एक्स वाई के ज्योमेट्रिक मीन से ज्यादा, तो एक्स वाई का ज्योमेट्रिक मीन क्या होगा, x√y, समझ में आ रही बात, x+y 3 के बने। तो मुझे अर्थमेटिक मीन एक्स वाई का निकालना क्या होगा, मतलब दो नंबर एक्स और वाई का अगर मैं अर्थमेटिक मीन निकालना चाहूँ, दोनों नंबर क्या ग्रेटर देन 0 है, एक्स और वाई
ग्रेटर देन जीरो, अगर मैं इनका अर्थमेटिक मीन निकालता हूँ तो क्या होगा, एक्स प्लस वाई डिवाइडेड बाई टू, और वो ग्रेटर देन क्या होगा, इनके अर्थमेटिक मीन से। चलो टू को इस तरफ ले आते हैं। हाँ आपको पता है ना सर, टू से हमने क्या कर दिया, हमने टू से क्या कर दिया यहाँ पर, मल्टीप्लाई और टू से मल्टीप्लाई, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई शक नहीं, ये इनइक्वालिटी आपको इतना पता ही होगा। सर अभी हमें क्या करना है, इस रूट को हटाना है, तो बोथ साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ क्या बन जाएगा, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर बन जाएगा, इक्वल इसके स्क्वायर बनेगा फोर, और ये क्या आएगा, रूट से बाहर जाएगा स्क्वायर में। एक्स प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है कितना, थ्री थ्री थ्री, एक बार लिख देता हूँ, कन्फ्यूज मत हो, थ्री का स्क्वायर ग्रेटर देन फोर एक्स वाई, तो थ्री का स्क्वायर कितना होगा, नाइन, ग्रेटर देन फोर एक्स वाई, समझ गए, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखना है, मैंने ग्रेटर देन लिखा है, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू होगा राइट, तो नाइन ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई, तो गाइस नाइन क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू फोर एक्स वाई, तो आप ऐसा कर सकते हो कि भाई इक्वलिटी को पलटा दो, फोर एक्स वाई लेस देन इक्वल टू नाइन बोल सकते हैं, नहीं हम बिल्कुल बोल सकते हैं, तो एक्स वाई लेस देन इक्वल टू ये क्या होगा सर, फोर से डिवाइड कर दो राइट। हाँ नेगेटिव में फर्क पड़ता है, पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, ध्यान रखना, डिवाइड मल्टीप्लाई जो करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं, तो नेगेटिव में फर्क पड़ता है, पॉजिटिव में इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता, नेगेटिव में साइन बदल जाते हैं आपको पता होगा, तो फोर टू जा एट कितना बचा, वन, 10 बचा राइट, फोर टू जा एट, समझ गए, फोर टू जा एट 10, फोर टू जा एट टू बचा 20, फोर फाइव जा, तो एक्स वाई ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 2x इनटू y लेस देन इक्वल टू 2.25, xy लेस देन इक्वल टू 2.25, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ गए, जब भी ऐसी कंडीशन आए तो आपको पता है लेस देन इक्वल टू, तो इस ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है, ज्योमेट्रिक मीन होता है, तो बस उसके बेसिस पे हम इक्वलिटी इनइक्वलिटी बना सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 27 देखें, ये 27 में क्या गिवन है, 27 बोला है द टेंथ डिजिट ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर इज ट्वाइस द इनर डिजिट, क्या बोल रहा है भाई, जो टेंथ डिजिट ऑफ अ नंबर है ग्रेटर देन क्या, टेंथ डिजिट ऑफ अ नंबर थ्री डिजिट नंबर, तो थ्री डिजिट नंबर ट्वाइस द इनर डिजिट, द 100 डिजिट ऑफ द नंबर इज ट्वाइस द टेंथ डिजिट, एंड द नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज 594 लेस देन इट, फाइंड द नंबर, ये दे रखा है। तो भाई सबसे पहली बात तो वो थ्री डिजिट नंबर है, तो थ्री डिजिट नंबर कैसे लिखते हैं सर, सर वो होता है 100A+10B+C राइट, यूनिट प्लेस, टेंस प्लेस और 100 प्लेस राइट, तो इनर डिजिट सी हो गई, टेंस डिजिट बी हो गई, और 100 डिजिट क्या बोल दी हमने, ए बोल दी, समझ पा रहे, ओके राइट, तो बोला टेंस डिजिट थ्री नंबर, क्या बोला है, टेंस डिजिट मतलब बी थ्री डिजिट नंबर, टेंस डिजिट ऑफ अ थ्री डिजिट नंबर इज ट्वाइस द इनर डिजिट, तो टेंस डिजिट क्या है, बी है, वो थ्री डिजिट नंबर की, टेंथ डिजिट ऑफ थ्री डिजिट नंबर इज ट्वाइस द यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट से ट्वाइस है, तो टेंथ डिजिट बी है, यूनिट का क्या हो गया ट्वाइस, एक इक्वेशन ये रखी, कोई दिक्कत नहीं, अच्छा क्वेश्चन है, बोल रहा है द 100 डिजिट ऑफ द नंबर इज ट्वाइस, 100 डिजिट कौन सी, ए, ट्वाइस द टेंस, मतलब ए कितना है, ट्वाइस द 100 डिजिट ऑफ नंबर ट्वाइस द टेंस, मतलब ट्वाइस ऑफ क्या है, बी है, क्लियर है, तो ए इक्वल टू टू इन टू, बी की वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं ना टू सी, बिल्कुल, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4c आ जाएगा, तो बस मैं थोड़ा रिलेशन निकाल दिया यहाँ पर राइट। अब क्या बोल रहा है, द नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज 594, तो नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग मतलब अगर इनको रिवर्स करने पर, इनके डिजिट को अगर हम रिवर्स करते हैं, नंबर फॉर्म क्या बोल रहा है, द नंबर फाउंड बाय द रिवर्सिंग द डिजिट ऑफ द नंबर इज, रिवर्स करना मतलब आगे पीछे कर देना, मतलब ये और ये डिजिट को रिवर्स करेंगे, ये तो यही रहेगी बी वाली, ये रिवर्स में नहीं आएगी, रिवर्स में ये दोनों डिजिट ए और सी रिवर्स होंगी, इस बात का ध्यान रखना, तो बी को कहाँ रिवर्स करोगे, रिवर्स करना मतलब आगे की पीछे और पीछे की आगे कर देना, रिवर्स का मतलब ये होता है राइट, तो आगे की पीछे और पीछे की आगे कर देना, तो नंबर फॉर्म बाय द रिवर्सिंग द डिजिट, अगर इनको रिवर्स करते हैं हम डिजिट को, क्या नंबर बन रहा है देख लेते हैं, अगर हम रिवर्स करते हैं तो गाइस रिवर्स कर दो, रिवर्स रिवर्स करते हैं क्या हो जाएगा, 100C वहां पहुंच जाएगा राइट, बी तो अपनी पोजिशन पर बैठा रहेगा, बी को कोई आपत्ति नहीं है, और ए यहाँ पर आ जाएगा, तो ये डिजिट, लेकिन ये क्या है 594 लेस देन इट, पुराने नंबर से 594 लेस देन है, तो पुराना नंबर बड़ा है और ये छोटा है, तो इन दोनों का डिफरेंस 594 है, कहने का मतलब ये है, तो क्या है गाइस 100A+10B+C, और डिफरेंस क्या बनेगा गाइस, इनको माइनस कर देते हैं, 100C-10B-A वो कितना है भाई साहब, 594 है, तो 10B एंड 10B क्या हो जाएंगे कैंसिल, 100A से 1A माइनस होगा तो 99A बचेगा, और ये कितना बचेगा, -99C बचेगा, माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 594 गाइस, 99 आप कॉमन ले लो,
ए माइनस सी इक्वल टू कितना बनेगा 594, तो ए माइनस सी 99 से डिवाइड कर लो, नहीं आता तो 6, हमें पता है फाइनल डिजिट कैसे आती है, 6 का मल्टीप्लाई करने पर और 5 तो 6 टाइम चला जाएगा, तो ए माइनस सी आपके पास 6 बन गया। अब ए की वैल्यू आप यहाँ पुट कर दो 4c माइनस c, है ना, ए की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं, ये हमें पता चल जाएगा, तो 3c इक्वल टू 6 हो गया, c इक्वल टू कितना बन गया सर 2। अब c 2 बन गया तो a कितना बन जाएगा, a बन गया 8, राइट। अब c कितना बन गया 2, तो b कितना बन जाएगा 4 बन जाएगा। तो आपसे क्या बोला जा रहा है, फाइंड द नंबर, नंबर क्या था भाई, आप देख लो यहाँ पर नंबर क्या था, ओके, b कितना था, ये 4 रखेंगे तो ये बन जाएगा 40, और c कितना रखोगे आप सर 2 पुट करना है, और a कितना पुट करना है 800 प्लस 40 प्लस 842, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। बड़े आसान क्वेश्चन थे यार, तुम लोग इतना डिफिकल्ट मत समझो, ओके एनपेट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 की बात कर लेते हैं, आइए देखते हैं, बढ़िया क्वेश्चन है। थ्री रनर्स एक्स वाई जेड रन अ रेस एट यूनिफॉर्म स्पीड, ओके, अपनी अपनी यूनिफॉर्म स्पीड पर रन कर रहा है, एक्स की कुछ स्पीड होगी, वाई की कुछ होगी और जेड की कुछ होगी, ओके वहां पर बोल रहा है एक्स बीट्स y by 12 मीटर एंड बीट्स जेड बाय 24 मीटर, y बीट्स जेड बाय 50 मीटर, फाइंड द रेस ऑफ द लेंथ ऑफ द रेस। समझो बढ़िया क्वेश्चन है, थ्री रन्स एक्स वाई जेड रन करना, बिल्कुल मान लो यहां से यहां तक की रेस थी जिसका डिस्टेंस कितना था रेस का, d था, समझना बात को। थ्री रन्स एक्स वाई जेड रन यूनिफॉर्म स्पीड, एक्स बीट्स वी वाई, मतलब कहने का ये हुआ कि तीनों एक ही टाइम पर निकले, वो नहीं बोल रहे कि अलग अलग टाइम पर निकल रहे, तो अपने मन से कुछ भी टाइम अलग अलग नहीं लोगे, तो यहां से x, y और z तीनों सेम टाइम पर निकले, बट क्या बोल रहा है, x बीट y एंड z, मतलब जितने टाइम में, मान लो जितने सुबह 10 बजे निकले, जितने टाइम में x यहां पर पहुंचा, x यहां पर पहुंच गया, राइट, x यहां पर पहुंच गया, x में किसको सर, x बीट y, x ने y को 12 मीटर से बीट किया, मतलब y अभी 12 मीटर पीछे है, मतलब एक्स यहां पर पहुंच गया रेस फिनिश एंड पॉइंट पर, कोई भी पहुंच गया एक पर्सन, तीनों में से रेस खत्म हो गई, रेस खत्म हो चुकी है, तो एक्स यहां पर पहुंचा तो भाई अभी 12 मीटर पीछे था, इस बात का ध्यान रखना है, उतने ही टाइम में, जितने मान लो टी टाइम में एक्स यहां से यहां तक पहुंचा, मान लो टी टाइम में एक्स यहां से यहां तक पहुंचा तो वाई टी टाइम में सिर्फ इतना ही चल पाया था, समझ गए पॉइंट को, हाँ सर वाई टी टाइम में इतना चल पाया, अभी 12 मीटर पीछे, 12 मीटर और चलना था, लेकिन टाइम में कॉन्स्टेंट रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट पॉइंट क्या बोल रहा है, x बीट बाय 12 मीटर एंड बीट z बाय 24 मीटर, z को 24 मीटर से बीट कर दिया, तो गाइस z अभी कहां, यहां से 24 मीटर पीछे है, मतलब z मान लो यहां कहीं है, z कितना पीछे सर, अभी 24 मीटर चलेगा, बट t टाइम में z इतना ही चल पाया बेचारा, समझ गए, तो आप क्या कह रहा, इस रेस में टाइम कांस्टेंट रहा, टाइम कांस्टेंट रहा, राइट, तो अगर टाइम कांस्टेंट है सर, सेम टाइम, टाइम कांस्टेंट है, टाइम कांस्टेंट है, आपको पता है स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, सर बिल्कुल, अब टाइम क्या है, कांस्टेंट है, तो डिस्टेंस एंड स्पीड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और नॉट, बिल्कुल सर, डिस्टेंस एंड स्पीड बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, यहां पर हमें कोई दिक्कत नहीं है, तो जिसने टाइम है, जितने टाइम में ए ने, एक्स ने पूरा डिस्टेंस ट्रेवल किया, उतने टाइम में वाई ने कितना किया है गाइस, वाई ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया आप देख सकते हो सर, उतने टाइम में वाई ने डी माइनस 12 मीटर किया है डिस्टेंस वाई ने, और जेड ने कितना किया है, डी माइनस 24 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल किया है, बात समझ पा रहा है, उतने टाइम में सिर्फ यहाँ पर जेड यहाँ पर पहुंचा और वाई यहाँ तक पहुंचा, तो यहाँ पे डिस्टेंस है, जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही कितने का होगा, स्पीड का रेशियो, तो हम यहाँ पर वाई और जेड क्यों बनाना चाह रहे हैं, क्योंकि आगे क्वेश्चन में रिलेशन दिया है कि वाई बीट्स जेड बाय 15 मीटर, मतलब अगर इसी रेस में हम बात करें वाई और जेड की, मान लो वाई यहां पर पहुंच गया, राइट, उसी में बात कर लो, तो वाई ने क्या किया, जेड को कितने से बीट किया सर, 15 मीटर से, राइट, वाई और जेड के बीच में जो गैप रहा वो कितने के मीटर, वो एक्स के रिस्पेक्ट में था ये वाला, मैं अगर इसी रेस में बनाऊ हौचपौच हो जाए, इसलिए अलग से बता रहा हूं मैं, कि वाई ने क्या किया, वाई ने जेड को कितने से किया सर, जितने टाइम में वाई, मान लो कि वाई पूरी रेस कर रहा था, सपोज वाई पूरी रेस कर रहा था, जितने टाइम में वाई यहां पहुंचता उतने टाइम में जेड यहां पर पहुंचा है, तो टाइम कांस्टेंट है, अगेन अगेन अगर हम उसी में बात करें कि वाई ने मान लो पूरा डिस्टेंस डी ट्रेवल किया है, तो जेड ने क्या किया है, डी माइनस 15 मीटर का डिस्टेंस ट्रेवल किया है, और जो डिस्टेंस का रेशियो होगा वही स्पीड का होगा, तो यहां और यहाँ के रेशियो को हम बराबर कर सकते हैं, तो वाई और जेड का आप रेशियो लिखो यहाँ से सर, अगर हम वाई और जेड का रेशियो लिखना स्टार्ट करते हैं, तो वाई ने कितना डिस्टेंस चला यहाँ पर, डी माइनस 12 डिवाइडेड बाय जेड ने किसने कितना चला सर, डी माइनस 24, सही बात है, इतना उतने टाइम टी में, उसी टाइम टी में वाई का यहाँ पर देख लेते हैं भाई, वाई का कितना है सर,
वाई ने तो डी चला है, इसको अलग से बना दिया, रेस वही है, स्पीड उनकी कोई भी चेंज नहीं हुई, तो टाइम पे भी फर्क नहीं पड़ेगा, स्पीड कोई चेंज नहीं हुई। बट वाई ने जेड को कितने से हरा दिया सर, डी माइनस 15 ही ट्रेवल कर पाया उतने में, राइट, 15 से हरा दिया तो डी माइनस 15 ट्रेवल कर पाया। बस भाई साहब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि अपन ने वाई और जेड का रेशियो, यहाँ पर भी वाई और जेड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, डी इंटू डी क्या हो जाएगा, डी स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 12 डी हो जाएगा, राइट, डी का फिर 15 का माइनस 15 डी हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगी, 180 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर डी स्क्वायर माइनस 24 डी, भाई डी स्क्वायर कैंसिल हो गए, अब आप यहाँ पर देख लो 180 यहीं रहने दो और इस 24 डी को माइनस में रहने दो, और माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा 27 डी आ जाएगा, तो ये कितना बचा, 3D इज इक्वल टू 180, राइट, और 3 से कैंसिल हो जाएगा, 60 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, D आ जाएगा, तो D इक्वल टू 60 आ गया है, मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कंफ्यूज मत होना, D इक्वल टू D ऑप्शन हो गया, नहीं तो हो जाता है कंफ्यूजन, समझ में आ रही बात, तो ये क्वेश्चन नंबर 28 था, आई होप कि आपको ये भी समझ में आया होगा। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ देखते हैं कि क्या कहना चाहता है क्वेश्चन नंबर 29, दिखने में तो बहुत भारी भरकम लग रहा है, बड़ा सा लग रहा है, बट कंफ्यूज नहीं होना, नॉट कि उतना डिफिकल्ट होगा, नॉट दैट मच डिफिकल्ट, ओके, जितना आप सोच रहे हैं नहीं है, आसान है, आपको जो पढ़ाया है वही आ रहा है, उसी के बेस पर आ रहा है, बस आप समझते रहो क्वेश्चन को। ओके, तो देखते हैं गाइस, द डिस्टेंस बिटवीन टू स्टेशन पी एंड क्यू इज 120 किलोमीटर, बहुत अच्छी बात है गाइस, पी और क्यू जो स्टेशन है, एक स्टेशन पी यहाँ पर है मान लो, और एक स्टेशन क्यू यहाँ पर है, दोनों के बीच का डिस्टेंस हमें कितना दे रखा है सर, 120 किलोमीटर, कोई दिक्कत नहीं, डिस्टेंस दे रखा है, जो दे रखा है वो लिखते जाओ आप। अ ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम पी टू क्यू 9 AM, जो पी से क्यू स्टार्ट हो रही है वो 9 AM पर स्टार्ट हो रही है, और कितने की स्पीड बोल रहा है, 40 किलोमीटर पर आवर, कोई बात नहीं भाई, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चला दो इसे इस डायरेक्शन में, ओके, कोई दिक्कत नहीं ना, डरना मत। वेल अनदर ट्रेन स्टार्ट फ्रॉम क्यू टू पी एट 40 किलोमीटर, बट ये ट्रेन कितने बजे चल रही सर, 10 AM पर इस डायरेक्शन में चल रही है, लेकिन ये भी कितनी स्पीड से जा रही सर, 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। ओके, आफ्टर 1 आवर द फर्स्ट ट्रेन हॉल्ट 15 मिनट, 1 आवर के बाद, 1 आवर के बाद पहली ट्रेन 15 मिनट के लिए हॉल्ट हो जाती है, 1 घंटे के बाद का मतलब क्या हुआ, 1 घंटे के बाद फर्स्ट ट्रेन कितने देर के लिए हॉल्ट होती, फर्स्ट ट्रेन ये है, ये 9 AM पर निकल गई, ये थोड़े बाद निकलेगी ना 1 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगी 1 आवर में, सर इसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, इट मीन 1 आवर में ये 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, तो 1 घंटे बाद हॉल्ट हुई है, तो मान लो 10 AM पर ये यहाँ पर हो गई सर, 10 AM पर ये ट्रेन यहाँ पर आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, 40 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, राइट, और यहाँ पर कितना है, 15 मिनट हॉल्ट है, राइट, कितना है मिनट हॉल्ट है, आफ्टर 1 आवर द फर्स्ट ट्रेन हॉल्ट फॉर 15 मिनट, तो 15 मिनट का हॉल्ट हो गया इस पी वाली ट्रेन का, लेकिन जाएगी 40 किलोमीटर की स्पीड से, मानेगी नहीं, 15 मिनट का हॉल्ट यहाँ पर हो गया, राइट, तो ये 10 AM पर नहीं निकलेगी, अब जाएगी तो कब निकलेगी सर, 10:15 AM पर निकलेगी, ओके, बट यहां से ये ट्रेन तो चल रही थी भाई, ये 10 पर हॉल्ट हो गई, लेकिन ये 10 पर चलना स्टार्ट करती 40 की स्पीड से, और 15 मिनट बाद ये चलेगी, रिलेटिव स्पीड कब लगती है सर, जब दोनों ऑब्जेक्ट सेम टाइम पर मूव हो तभी आप रिलेटिव स्पीड लगा सकते हो, अदरवाइज आप रिलेटिव स्पीड नहीं लगा सकते हो, इस बात का ध्यान रखना है। ओके, हाँ सर बिल्कुल सही बात है, तो सर ये 15 मिनट और चला दो, क्योंकि ये 10:15 पर चलेगी, तो 15 मिनट में ये कितना डिस्टेंस चलेगी सर, 60 मिनट या फिर 1 आवर में 40 किलोमीटर चलती है, तो 15 मिनट में कितना चलेगी, 10 किलोमीटर, राइट, 1/4 चलेगी ना इसका, तो सर 10 किलोमीटर इसने डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, तो 10 किलोमीटर चल लिया, अब ये 10:15 पर ये भी चलने को तैयार है इस डायरेक्शन में, किस स्पीड से, 14 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, तो ये डिस्टेंस कितना बचा, 120 में से 40 आ गया, 10 आ गया, 50 चला गया, अब गई जब 50 चला गया तो ये कितना बचा सर, 70 किलोमीटर का गैप बचा बस दोनों के बीच में, अब दोनों ट्रेन 70 किलोमीटर गैप को अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल करेंगे, राइट, तो टाइम इज इक्वल टू क्या बनता है, दोनों सेम टाइम पर निकल रही ट्रेन, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस सेपरेशन बिटवीन देम, कितना है सेम टाइम पर दोनों के बीच में, सेम टाइम का सेपरेशन 70, दोनों अपोजिट में चल रही तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती है, एड हो जाती है, प्लस 80, 40 और 40 अपोजिट डायरेक्शन में रिलेटिव स्पीड एड हो जाती है 80, बिल्कुल सर 7/8 बन गया, कोई आपत्ति नहीं, और मिनट में चेंज करना है तो 60 से मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि ये तो कितने की बात, 10:15 की बात जा रही है, इतनी बात समझ में आ रही है ना, 70/80, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, देख लेना कहीं कैलकुलेशन वैलकुलेशन गड़बड़ ना हो। ओके सर, तो 4 से 2 टाइम चला जाएगा, 4 से 15 टाइम, ये कितना होगा, 105/2, राइट, तो ये कितने मिनट हो गए गाइस सर, ये 52 मिनट हो जाएंगे ना, क्योंकि 2 5 जा
हाँ, और 2 2 52 मिनट, और आधा मिनट मतलब 30 सेकेंड, तो 52 मिनट 30 सेकेंड ये हो गए कितने बजे से, 10:15 से, 10:15 में आप 52 मिनट 30 सेकेंड कितना, 52 मिनट 30 सेकेंड से ऐड कर दो, तो 10 में ये 15 मिनट यहाँ पर दे दो, 8 दे दो, तो कितने हो गए 11, और कितना बचा 7, 11 7 30, 11 7 30 मतलब ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। बढ़िया था ना क्वेश्चन, अच्छा था, शानदार था, मजा आया होगा। ओके गाइस, नाउ क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, इसको थोड़ा देखें और सॉल्व करते जाएं, थोड़ा बहुत अच्छा भी फील करोगे आप लोग। बढ़िया, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, ट्रिग्नोमेट्री भी पूछी जाती है, एलजेब्रा पूछा जाता है, एपी जीपी के काफी क्वेश्चन पूछे गए आपने देखे, मीन मीडियन भी पूछे गए, तो इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो भाई इस क्वेश्चन को सबसे पहले तो सॉल्व करते हैं अपन, क्या करते हैं सर, सेक स्क्वायर है, नीचे वाले सेक स्क्वायर को निपटा दें, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर कॉमन लेके नीचे वाले कॉसेक स्क्वायर को निपटाओ, सबसे पहला काम ये करो। ओके सर, यहाँ से सेक स्क्वायर कॉमन लेंगे तो 1 बचेगा, ओके 1 बचेगा, माइनस यहाँ क्या है सर, कॉस स्क्वायर ए है, अपॉन में यहाँ से सेक स्क्वायर था ही नहीं, कॉमन लिया तो नीचे क्या जाएगा सर, सेक स्क्वायर जाएगा, ये सही बात है। ओके सर, ये वाला सेक स्क्वायर कॉमन लेके इस सेक स्क्वायर से चला गया, ये क्या बचा, 2 - sin² बढ़िया तरीके से सॉल्व करो, कोई दिक्कत नहीं सर, यहाँ से कॉसेक स्क्वायर ले लेंगे तो यहाँ पर 1 - sin² अब ए अपॉन कॉसेक स्क्वायर, क्यों कॉसेक स्क्वायर, यहाँ पर कुछ नहीं, 1 बचा, निकल गया, यहाँ नहीं था तो यहाँ पर जबरदस्ती न्यूमरेटर में लाना पड़ेगा, कॉमन निकालते हैं, किसी को भी अगर हम कॉमन निकालते हैं वो अगर नहीं है न्यूमरेटर में तो उसको आप डिनोमिनेटर में दो और जबरदस्ती कॉमन निकाल दो। ओके सर, जबरदस्ती कॉमन निकाल दिया, तो कॉसेक स्क्वायर, इस कॉसेक स्क्वायर ऐसे कैंसिल हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा, 2 - क्या बचेगा सर, ये यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए अपॉन क्या बचेगा भाई, यहाँ पर कॉसेक स्क्वायर आपने निपटा दिया तो यहाँ तो यही बचा, और 2 - cosec² ए ही बचेगा, यहाँ से कोई कॉमन हमने नहीं लिया, इससे निपटा दिया, समझ गए बात को। ओके सर, इसको और फर्दर सॉल्व करते हैं, 1 - अच्छा 1 अपॉन sec² क्या होता है, 1 अपॉन sec² कॉस स्क्वायर आ जाएगा, कॉस स्क्वायर न्यूमरेटर में आएगा, कॉस स्क्वायर और कॉस स्क्वायर कितना हो जाएगा, पावर है, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगी, तो कॉस की पावर 4, 1 अपॉन sec² ए को मैंने कॉस स्क्वायर लिख दिया, कॉस स्क्वायर इनटू कॉस स्क्वायर बचेगा sec स्क्वायर, sec की पावर 4 a बचेगा, आई होप कि आपको समझ में आया होगा, है ना। अब मैं नीचे वाले के साथ भी थोड़ा सा कर रहा हूँ, 2 को क्या लिख सकता हूँ, 1 + 1 - sin² लिख सकता हूँ ना, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं आप आसानी से, ऐसे यहाँ पर करो, ये cos स्क्वायर है, 1 अपॉन cos² क्या होता है, sin स्क्वायर, और ये sin स्क्वायर है, ये इसका sin स्क्वायर है, इस sin स्क्वायर ये सब मल्टीप्लाई होगा, तो sin की पावर कितनी बन जाएगी सर, sin की पावर 4 a बन जाएगी, डिवाइड में इसको ऐसे ही कुछ लिखो, 1 + 1 - cos², समझ गए बात को, हाँ सर यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं, कोई आपत्ति नहीं, ओके हाँ सर, यहाँ पर 1 - sec की पावर 4 है, 1 - sec की पावर 4 है, तो ये 1 1 तो मैंने वैसे 1 - sin² क्या होता है, sin² a + cos² = 1, तो 1 - sin² क्या हो जाएगा, cos स्क्वायर ए हो जाएगा, 1 + cos² हो गया, यहाँ पर क्या करो भाई, यहाँ पर 1 - sin की पावर 4 a रहने दो, ये 1 को एज इट इज रहने दो, 1 - cos² ये कितना बनेगा सर, ये साइन स्क्वायर बन जाएगा, समझ रहे हैं बात को, अब क्या बचा अभी, या ओ सॉरी ये सेक स्क्वायर नहीं, कॉस स्क्वायर बनता ना, अच्छा ये तो साइन स्क्वायर बन गया, ठीक है ये सेक स्क्वायर क्या बनता, कॉस स्क्वायर में बदल जाता, तो कहीं इसको कॉस स्क्वायर ये कर लेना, मैंने ये गलत लिख दिया यहाँ पर, ये क्या होता कॉस स्क्वायर ए, कॉस की पावर 4 a बनता, क्योंकि ये ऊपर गया तो ये 4 पावर बनता, समझ गए ना, पावर 4 बनता भाई, पावर 4 बनता, राइट, तो क्या लिख सकते हैं अपन इसको, पावर 4 बनता ना, तो एक बात समझो आप क्या करते हो सर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, ए माइनस बी और ए प्लस बी, एज सिंपल एज दैट, इसको क्या कर सकते हो, 1 - cos² a का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस, बहुत आसान है, दिख गया होगा आपको अब तो, यहीं से दिख गया होगा ये कॉस की पावर 4, तो इसको क्या लिख सकते हो, 1 - sin² a का होल स्क्वायर, तो मैं क्या बनाना चाहता हूँ, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, समझ गए, 1 + sin² a बनाना चाहता हूँ, तो 1 - cos है, 1 - cos² है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या बनेगा, 1 - cos² अपॉन 1 + cos² है, क्लियर बात है, तो 1 + cos² है, 1 + cos² है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर कैंसिल, न्यूमरेटर में क्या बचा, 1 - cos² बचा, यहाँ पर क्या बचा, 1 + sin² चला गया, तो यहाँ पर 1 - sin² बचा,
तो यहाँ पर टू माइनस कॉमन निकाल लेंगे तो ये बचा कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर, दोनों से वन और वन टू हो गया, ये वन और वन टू हो गया, इनसे माइनस कॉमन निकाल लिया, टू माइनस इसकी वैल्यू होती है वन, तो टू माइनस वन कितना हो गया सर, वन हो गया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी करेक्ट हो गया। बात समझ में आ रही? तो आज के सेशन में हमने ये 10 क्वेश्चन अभी खत्म किए, एक और सेशन आएगा जिसमें हम 10 क्वेश्चन करेंगे तो हमारे एनपैट का कंप्लीट एनालिसिस हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये बातें सभी समझ में आ गई हो कि कैसे क्या करना है, इस पॉइंट को ध्यान रखने, पावर 4 तक कॉस की बनता आप क्लियर हो, राइट? ओके गाइस, तो ऐसे और सेशन के लिए बने रहना, अभी एक सेशन और होना बाकी है, फिर अपन मिलते हैं, थैंक यू सो मच गाइस, ओके बाय बाय।